तो आज हम वायरल हेपेटाइटिस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे देख सकते हैं वायरल हेपेटाइटिस। नाम से हमें बहुत कुछ चीजों के बारे में पता चलता है। हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटा मतलब क्या होता है, हिपेटो यानी कि लीवर होता है, और आइटिस यानी कि इंफ्लामेशन होता है। तो जब भी लीवर में किसी भी प्रकार का इंफ्लामेशन होगा ड्यू टू वायरस ओरिजिन, किसी भी वायरस की वजह से अगर लीवर में इंफ्लामेशन आने लगेगा तो हम उसे कहेंगे वायरल हेपेटाइटिस। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन पे एक फोटो बनाया है जो कि डिनोट करता है लीवर को। तो जब भी हमें इंफ्लामेशन होगा, अगर लीवर में किसी भी तरह का इंफ्लामेशन होगा जो कि वायरल ओरिजिन का होगा, तो हम उसे कहेंगे वायरल हेपेटाइटिस। तो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे वायरल हेपेटाइटिस का, तो वायरल हेपेटाइटिस का डेफिनेशन है वायरल हेपेटाइटिस इज द इंफ्लामेशन ड्यू टू द वायरल इंफेक्शन। तो इट इज द लीवर इंफ्लामेशन ड्यू टू द वायरल इंफेक्शन। किसी भी तरह के वायरल के इंफेक्शन की वजह से अगर लीवर में इंफ्लामेशन होता है तो हम उसे कहेंगे वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं? तो पांच मेन वेराइटीज ऑफ वायरस आर फाउंड। पांच मेन वैरायटी है वायरस के जो पाए जाते हैं हेपेटाइटिस में। सबसे पहला है हेपेटाइटिस ए वायरस, दूसरा हेपेटाइटिस बी वायरस, तीसरा हेपेटाइटिस सी वायरस, चौथा है हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, और पांचवा है हेपेटाइटिस ई वायरस। तो हेपेटाइटिस ए वायरस डिनोट किया जाता है HAV से, हेपेटाइटिस बी वायरस डिनोट किया जाता है HBV से, हेपेटाइटिस सी वायरस या फिर पहले के जमाने में इसे नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहते थे, जबकि बाकी सारा हेपेटाइटिस का फॉर्म नहीं डिस्कवर हुआ था, सिर्फ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का फॉर्म जब डिस्कवर हुआ था, उसके बाद जब नया फॉर्म डिस्कवर हुआ हेपेटाइटिस सी का, तो हम उसे कहते थे नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। तो उसे डिनोट किया जाता है HCV से, हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस को डिनोट किया जाता है HBV से, और हेपेटाइटिस ई वायरस को डिनोट किया जाता है HEV से। तो ये है वायरल हेपेटाइटिस का डेफिनेशन और उसके पांच टाइप्स। अगर हम देखेंगे तो जो वायरल हेपेटाइटिस है उसमें जो HBV वायरस है यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस है, वो एक टाइप का DNA वायरस है, और उसके अलावा बाकी जो वायरसेस है HAV HCV HDV और HEV, ये सब कौन से वायरस है? तो ये सब है RNA वायरस। तो ये सब RNA वायरस है, इसमें से सिर्फ HBV वायरस जो है वो DNA वायरस है। तो DNA और RNA वायरस में क्या फर्क होता है, ये चीज हम देखेंगे। तो DNA वायरस अगर हम देखेंगे तो DNA एक डबल स्ट्रैंडेड वायरस होता है जिसमें म्यूटेशन रेट काफी कम होता है, वैरायटीज जो होते हैं म्यूटेशन होते हैं वो काफी कम होते हैं। रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, जो रेप्लिकेशन होता है डिविडेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है। और चौथा होता है DNA वायरस आर स्टेबल, ये सब स्टेबल वायरसेस होते हैं। अगर RNA वायरस में देखेंगे तो RNA सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होता है जिसमें म्यूटेशन रेट काफी ज्यादा होता है, रेप्लिकेशन जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और ये काफी अनस्टेबल माने जाते हैं। तो जो RNA वायरस है जैसे कि हम देख सकते हैं कोविड का वायरस है, इसमें म्यूटेशंस काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा वैरायटीज के पाए जाते हैं। इसका डिविडेशन यानी कि रेप्लिकेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि काफी फास्ट होता है। तो इसका जो साइटो रेप्लिकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और ये काफी अनस्टेबल माने जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैंने दो वायरस के बारे में फोटो दिया है, तो इसमें एक है ये है RNA वायरस और एक है ये है DNA वायरस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो DNA वायरस है यहाँ पे डबल स्ट्रैंड है, एक और ये दो डबल स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन जो RNA वायरस होता है इसमें एक सिंगल स्ट्रैंड ही मिलता है हमें। मोस्ट प्रोबेबली जो RNA वायरस है वो रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, तो वो साइटोप्लाज्म में ही होता है,
और जो डीएनए वायरस में रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है। डीएनए वायरस देखने से ही लगता है काफी ज्यादा स्टेबल वायरस होते हैं, और आरएनए वायरस जो है वो अनस्टेबल वायरस माने जाते हैं। तो इसमें जो एचबीवी वायरस है वो डीएनए वायरस होता है, और उसके अलावा बाकी जो चार टाइप है उसे हम कहते हैं आरएनए वायरस। तो स्टार्ट करेंगे हम हेपेटाइटिस ए से। सबसे पहला हेपेटाइटिस ए वायरस जिसे हम डिनोट करते हैं एच ए वी से। तो सबसे पहले ये कैसे होता है, तो ये होता है अगर इन्फेक्शन हुआ है हेपेटाइटिस ए वायरस का, इन्फेक्शन अगर हुआ है हेपेटाइटिस ए वायरस का तो उसके वजह से हेपेटाइटिस ए होता है। दूसरा 20-25% केसेस में अगर हेपेटाइटिस हुआ है पेशेंट को तो 20-25% केसेस में वो हेपेटाइटिस ए ही होता है। इट इज अ बनाइन सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, ये बनाइन डिजीज है और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, यानी कि ये रिजॉल्व भी अपने आप हो जाता है, रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विथ और विदाउट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, बॉडी अपने आप से इसको इससे फाइट करता है और रिजॉल्व होने में मदद होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इज 15-45 डेज। जब से वायरस बॉडी में आता है तब से लेके इन्फेक्शन डेवलप करने के स्टेज को या उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे आज वो वायरस से हम इन्फेक्ट हुए और सबसे पहला सिम्टम हमें कब आया, तो वो टाइम पीरियड जो होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15-45 डेज तक। स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट से स्प्रेड किया जाता है, यानी कि अगर कहीं पे ओवर क्राउडिंग होगा, अनहाइजीन कंडीशन होगा, सैनिटाइजेशन ठीक से नहीं किया जाएगा, बहुत सारा पॉपुलेशन होगा, तो ये सब कंडीशन में क्या होता है हेपेटाइटिस ए वायरस काफी ज्यादा स्प्रेड होने लगता है। तो ओवर क्राउडिंग, पुअर हाइजीन, सैनिटरी कंडीशन, ये सब के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए है कि नहीं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है। मोस्टली अफेक्ट द एज ग्रुप ऑफ 5-14 इयर्स। तो मोस्ट प्रोबेबली इसे हमें यंग एज में, यानी कि 5 से लेकर 14 साल की उम्र तक हमें देखने को मिलता है। तो हेपेटाइटिस ए सबसे पहले डेवलप होता है हेपेटाइटिस ए वायरस से। इसमें मोस्टली 20-25% हेपेटाइटिस के केसेस में वो एच ए वी ही होता है, यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस ही होता है। ये एक टाइप का बनाइन होता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखेंगे तो 15-48 डेज होता है। ये पीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है और मोस्ट प्रोबेबली ये 5 से 14 साल के एज ग्रुप में ही डेवलप होता है। अगर हम एच ए वी वायरस के बारे में देखेंगे, हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो वायरस है ये स्मॉल होता है, काफी स्मॉल होता है, जो कि डायमीटर होता है ऑलमोस्ट 27 नैनोमीटर। 27 नैनोमीटर जो होता है वो इसका डायमीटर होता है। अगर यहां से यहां तक का हम डायमीटर देखेंगे तो वो होगा 27 नैनोमीटर। इसके बाद वो आइसोसोहेड्रल शेप होता है। कौन सा शेप होता है? आइसोसोहेड्रल शेप होता है। तो यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर एक बनाया, कुछ इस तरह का शेप अगर हम 3D में देखेंगे तो देखने को मिलता है, जिसके कि 12 से ज्यादा प्लेन्स होते हैं। यानी कि ये एक साइड हो गया, दो साइड हो गया, तीन साइड हो गया, चार साइड हो गया, पांच साइड हो गया, ऐसा करके काफी ज्यादा प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसे हम कहते हैं आइसोसोहेड्रल शेप। ये एक टाइप का नॉन एनवलप है, ऊपर किसी भी तरह का एनवलप हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है। मोस्ट प्रोबेबली ये लीवर में, बाइल में, स्टूल में और ब्लड में देखा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली लीवर, बाइल, स्टूल और ब्लड में ये वायरस प्रेजेंट होते हैं। अगर इनएक्टिवेशन करना हो, ये वायरस को अगर हमें इनएक्टिवेट करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसे बॉइल कर सकते हैं 1 मिनट तक, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे सकते हैं, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड या क्लोरीन में अगर हम रखेंगे तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि जो एच ए वी वायरस होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। तो ये स्मॉल होता है साइज में, 27 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, आइसोसोहेड्रल शेप होता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लिपिड लेयर या एनवलप प्रेजेंट नहीं होता,
इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखेंगे तो ये वायरस लीवर, स्टूल, बाइल या फिर ब्लड में देखने मिलता है। और अगर इस वायरस को इनएक्टिवेट करना हो तो हमें इसे 1 मिनट तक सिर्फ गर्म पानी में बॉईल करना है, अल्ट्रा रेडिएशन देना है या फिर फॉर्मेल्डिहाइड और क्लोरीन के सोल्यूशन में डिजोल्व करके रखना है, तो ये वायरस अपने आप ही इनएक्टिवेट हो जाएगा। लेबोरेटरी वाइज अगर हम देखेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को हेपेटाइटिस ए हुआ है, तो सीरम मार्कर फॉर हेपेटाइटिस ए वायरस ए इन्फेक्शन, सीरम मार्कर फॉर हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन। तो इसमें सबसे पहला है IgM NTHAB एंटीबॉडी, तो ये एक टेस्ट होता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है यानी कि NTHAB एंटीबॉडी, जो कि दो टाइप का होता है, एक तो IgM होता है और एक तो IgG होता है, तो अगर IgM टाइप का बॉडी जो है वो पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि सिम्टम अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि ऑनसेट हुआ है, सिम्टम अभी स्टार्ट होने लगा है। अगर NTHAB एंटीबॉडी जिसमें IgG होता है अगर वो पॉजिटिव आएगा तो उससे पता चलता है कि पेशेंट को पहले HAV का इन्फेक्शन था और अभी उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो गए हैं, यानी कि वो इन्फेक्शन से अभी आगे लड़ सकता है, टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन। मोस्ट प्रोबेबली ये चीज हमें सीरम में डिटेक्ट करने को मिलता है, यानी कि अगर हम ब्लड लेंगे और ब्लड में से क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो होते हैं या क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और ब्लड सेल्स होते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट, इसे हम निकाल देंगे तो जो पार्ट बचेगा उसे हम कहेंगे सीरम। तो सीरम में से हमें पता चलता है हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में। तो अगर NTHAV एंटीबॉडी अगर हम देखेंगे उसमें अगर IgM पॉजिटिव आएगा तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट को HAV इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, और अगर IgG पॉजिटिव आएगा तो यानी कि पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो गए हैं और आगे वो लाइफ टाइम तक HAV वायरस से लड़ सकता है या फिर री इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये हो गया हेपेटाइटिस ए के बारे में, यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। अब हम देखेंगे दूसरा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जिसे हम डिनोट करते हैं HBD से, ये एक टाइप का DNA वायरस है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डबल स्ट्रैंडेड ये प्रेजेंट होता है, दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, काफी स्टेबल माना जाता है। रेप्लिकेशन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और म्यूटेशन काफी कम कम आते हैं, तो इसे हम कहते हैं DNA वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस को। इसके अंदर दो साइज या फिर दो वायरल पार्टिकल्स हमें देखने मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली, एक तो स्मॉल पार्टिकल होता है और एक तो लार्ज पार्टिकल होता है। तो जो स्मॉल पार्टिकल होता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, अगर उस स्पेरिकल शेप होता है, दो स्मॉल पार्टिकल्स में भी देखेंगे हम तो स्पेरिकल शेप प्रेजेंट होगा या फिर ट्यूबुलर शेप में प्रेजेंट होगा, स्पेरिकल शेप या फिर ट्यूबुलर शेप में प्रेजेंट होगा। स्पेरिकल शेप होगा तो 22 नैनोमीटर का डायमीटर प्रेजेंट होगा, और ट्यूबुलर होगा तो 22 नैनोमीटर का हम कह सकते हैं कि विथ होगा और 100 नैनोमीटर का उसका लेंथ प्रेजेंट होगा। रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ द वायरल एनवलप प्रोटीन रिफर्ड एज HBsAg, तो इसे हम HBsAg भी कहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो दो साइज में आता है, एक स्मॉल पार्टिकल एक लार्ज पार्टिकल में। लार्ज पार्टिकल में देखेंगे तो ये काफी कम अमाउंट में पाया जाता है, इसमें डबल शेल्ड होता है स्पेरिकल जो कि होता है 42 नैनोमीटर का, तो जो स्पेरिकल होता है उसका डायमीटर होता है 42 नैनोमीटर। रिप्रेजेंट इंटैक्ट वायरन ऑफ द HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस का वायरन रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो टाइप के वायरल पार्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो HBsAg जो वायरस होता है या फिर हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आउटर लिपिड एनवलप एंड एन आइसोसाहेड्रल न्यूक्लियो न्यूक्लियोकैप्सिड पोल ऑफ प्रोटीन, तो मोस्ट प्रोबेबली आउटर जो लेयर होता है इसे हम कहते हैं लिपिड एनवलप। क्या कहते हैं? लिपिड एनवलप।
लिपिड एनवलप के अंदर आइसोसाहेड्रल शेप का, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ये शेप में न्यूक्लियोकैस्पिड कोल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ टाइप के कोल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोकैस्पिड एनक्लोसिस वायरल डीएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसके अंदर जो आइसोसाहेड्रल शेप होता है उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक तो वायरल डीएनए और उसके साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज। तो वायरल डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए पॉलीमरेज उसमें प्रेजेंट होता है। आउटर एनवलप कंटेन एम्बेडेड प्रोटीन, तो जो आउटर एनवलप होता है जिसे हम कहते हैं लिपिड एनवलप, उसके अंदर तीन प्रोटीन होता है, लार्ज, स्मॉल और मीडियम, जो कि HBsAg प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। तो आउटर सबसे पहला एक होता है लिपिड एनवलप, उसके अंदर जो होता है वो आइसोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैस्पिड प्रोटीन होता है, एक कोर होता है जो कि प्रोटीन का होता है। वो प्रोटीन के कोर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। आउटर एनवलप में बाहर साइड का जो एनवलप होता है वहां पे काफी ज्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज के। अगर हम कंपोनेंट के बारे में देखेंगे तो कंपोनेंट में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो कंपोनेंट में सबसे पहले HBsAg, दूसरा HBcAg, तीसरा HBV डीएनए पॉलीमरेज और चौथा होगा HBeAg। तो सबसे पहला HBsAg यानी कि हेपेटाइटिस बी सल्फेस एंटीजन। तो जो सल्फेस या फिर एनवलप के ऊपर जो हम कह सकते हैं एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, लार्ज, स्मॉल और मीडियम, उसे हम कहते हैं HBsAg यानी कि हेपेटाइटिस बी सल्फेस एंटीजन। इसमें क्या होता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा HBcAg यानी कि हेपेटाइटिस कोर एंटीजन, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कोर एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो इसका काम होता है रेप्लिकेशन ऑफ वायरस का, वायरस को रेप्लिकेट करने में, वायरस को बढ़ाने के लिए इसका काम होता है। तीसरा होता है HBV डीएनए पॉलीमरेज, तो हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए पॉलीमरेज जो होता है डिस्कार्ड आफ्टर वायरल इन्फेक्ट न्यू सेल, मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शन के लिए काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह इन्फेक्शन स्प्रेड करता है और वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, इन्फेक्शन करना और फिर उसके बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। लास्ट है HBeAg यानी कि हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन, तो ये कहाँ पे मिलता है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आइसोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैस्पिड कोर और लिपिड एनवलप के बीच में मिलता है। यानी कि हम ये ब्लू वाला लाइन जो देख सकते हैं ये, और बीच का जो ग्रीन वाला आइसोसाहेड्रल शेप है ये, इसके बीच में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में नॉन पार्टिकुलेट प्रोटीन मिलता है जिसे हम कहते हैं HBeAg यानी कि हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन। तो इस तरह से हमें चार कंपोनेंट देखने मिलते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस में, एक तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एक होता है हेपेटाइटिस कोर एंटीजन, एक होता है हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए पॉलीमरेज और चौथा होता है हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन। सीरोलॉजिकली अगर हम देखेंगे या फिर हम लेबोरेटरी वाइज देखेंगे तो हम कैसे इसको पहचान सकते हैं HBV वायरस को, तो सबसे पहला HBsAg हम टेस्ट करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो ये एक टेस्ट होता है HBsAg, मोस्ट प्रोबेबली 6 वीक्स के बाद, अगर आज इंफेक्शन हुआ है फर्स्ट डे तो मोस्ट प्रोबेबली 6 वीक्स के बाद ये रिजल्ट पॉजिटिव आने लगता है, कैसा, HBsAg जो है वो पॉजिटिव आने लगता है और डिसेपियर हो जाता है 3 से 6 महीने के अंदर, 3 से 6 महीने में वो अपने आप डिसेपियर हो जाता है। अगर ये 6 महीने से ज्यादा पड़ा होता है तो वो पेशेंट को हम कह सकते हैं कैरियर स्टेज, यानी कि उसके बॉडी में उसका इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन वो कैरी करता है, वो दूसरे में स्प्रेड कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ द कैरियर एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस बाय ऑलसिन स्ट्रेन, तो अगर हमें डिटेक्ट करना है HBsAg का किसी भी क्रॉनिक पेशेंट में या फिर हम कह सकते हैं कैरियर स्टेज में, तो उसे ऑरी ऑलसिन स्ट्रेन करके स्ट्रेन होता है जिसमें डालने से हमें HBsAg के बारे में पता चलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली
अगर किसी को HBS AG पेशेंट का या फिर हेपेटाइटिस बी वायरस पेशेंट का ब्लड लगता है तो मोस्ट प्रोबेबली 6 वीक्स के बाद यानी कि 1.5 महीने के बाद भी टेस्ट करके कंफर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि ये 6 वीक्स के बाद पॉजिटिव आने के ज्यादा चांसेस होते हैं HBS AG वायरस। दूसरा है एंटी HBS यानी कि एंटीबॉडी टू HBS इन दी सीरम। तो HBsAg हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो होता है उसका अगर एंटीबॉडीज भी हम देख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये 3 महीने के बाद एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है और रिस्पॉन्स में भी इन IgM या फिर IgG टाइप। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर IgM होता है, IgM एंटी HBs अगर प्रेजेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली इन्फेक्शन मतलब हम कह सकते हैं कि रिसेंटली एंटीबॉडीज जो है वो बनना स्टार्ट हुआ है। और अगर IgG पॉजिटिव होगा तो यानी कि इन्फेक्शन बहुत पहले से था और एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो चुके थे बॉडी में। प्रोवाइड लाइफ टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन, तो अगर इसके एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे तो ये हमें लाइफ टाइम री इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। कौन सा? एंटी HBs। तीसरा है HBeAg यानी कि हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन। एक्सपेक्टेबल पार्ट ऑफ द कोर एंटीजन ऑफ HBV, कोर एंटीजन में फाइंड होता है। प्रेजेंस ऑफ HBeAg इंडिकेट्स वायरस इज एक्टिवली मल्टीप्लाइंग एंड हाईली कंटेजियस। अगर हम देखेंगे कि ये जो नॉन पार्टिकुलेट प्रोटीन होता है जो कि HBeAg होता है, अगर ये प्रेजेंट होगा तो यानी कि जो वायरस है वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहा है और ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस होता है। इट प्रेजेंट ट्रांजिएंटली 3 to 6 वीक्स ड्यूरिंग एन एक्यूट अटैक। 3 से 6 वीक्स तक ये प्रेजेंट होता है। 10 वीक से ज्यादा अगर प्रेजेंट रहा तो हम इसे कहेंगे क्रॉनिक लिवर डिजीज या फिर हम कहेंगे कैरियर स्टेज। तो ये काफी खतरनाक होता है HBeAg, जो कि हमने देखा कि आउटर लिपिड एनवलप और आइसोसाहेड्रल जो न्यूक्लियो कैस्पिड कोर प्रोटीन होता है इसके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं HBeAg। ये एंटीजन जो है वो ये दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एंटी HBe यानी कि अगर एंटीबॉडीज एपियर आफ्टर डिसेपियरेंस ऑफ HBeAg, HBeAg जो एंटीजन होता है उसको डिसेपियर होने के बाद ही उसका एंटीबॉडी हमें देखने मिलता है। अगर एंटीबॉडी हमें देखने मिला तो यानी कि हमें समझना चाहिए कि ये अच्छा साइन है, साइन ऑफ रिजोल्यूशन है, यानी कि वायरस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद HBcAg यानी कि हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। इट इज डिराइव फ्रॉम द कोर प्रोटीन। तो जो कोर प्रोटीन होता है आइसोसाहेड्रल शेप का वहां से डिराइव किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटेड इन द न्यूक्लियर ऑफ द हिपेटोसाइट्स इन कैरियर स्टेज एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। मोस्टली ये लिवर सेल्स में कब प्रेजेंट होता है? जब पेशेंट कैरियर स्टेज में होगा या फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस में होगा, यानी कि हेपेटाइटिस काफी लॉन्ग पीरियड तक रहेगा तो उसमें हमें HBcAg देखने को मिलेगा। एंटी HBc उसका एंटीबॉडीज हमें कब देखने मिलेगा? तो IgM क्लास एंटीबॉडी परसिस्ट फॉर 4 to 6 मंथ फॉलोड बाय IgG एंटीबॉडी। मोस्ट प्रोबेबली एंटीबॉडी दो टाइप में देखने मिलते हैं, तो IgG, IgM। IgM का मतलब होता है एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हुआ है या फिर इन्फेक्शन जो है वो रिसेंटली हुआ है। लेकिन अगर IgG प्रेजेंट होता है तो यानी कि एंटीबॉडीज बन गए हैं और पेशेंट का बॉडी जो है वो आगे री इन्फेक्शन ना हो उससे फाइट कर सकता है। तो हाई टाइट्रेट ऑफ IgM अगर रहेगा तो यानी कि रिसेंट एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, और अगर IgG रहेगा तो यानी कि इन्फेक्शन जो है वो पहले हो चुका था, अभी पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो गए हैं। उसके बाद है HBV DNA। तो साउथर्न ब्लॉट टेक्निक होता है, उसके बेसिस पे हमें पता चल सकता है। ये काफी सेंसिटिव टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है पेशेंट को HBV इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। तो HBV DNA यानी कि DNA पॉलीमरेज है, उसको डिटेक्ट करना, हेपेटाइटिस बी वायरस में DNA पॉलीमरेज को डिटेक्ट करना जो कि साउथर्न ब्लॉट टेक्निक से होता है, उससे हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को HBV इन्फेक्शन है या नहीं है।
मोस्ट प्रोबेबली हेपेटाइटिस बी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन यानी कि HBSAg ये एंटीजन ही मोस्टली यूज करते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन से ही डिटेक्ट किया जाता है और मोस्ट प्रोबेबली बाकी सब का टेस्ट हम बहुत ही कम यूज करते हैं। पैथोजेनेसिस में अगर हम देखेंगे तो HBV वायरस इज अ नॉन साइटोलाइटिक इंफेक्शन, मतलब ये जो वायरस होता है ये किसी भी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, साइटोलाइटिक नहीं है यानी कि किसी को डिस्ट्रॉय या एंगल्फ नहीं करता है। डज नॉट लीड टू द डेथ ऑफ द इंफेक्टेड हेपेटोसाइट, मतलब जिस किसी लीवर सेल को वो इन्फेक्ट करता है उसका डेथ या नेक्रोसिस ये नहीं करता है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है तो लीवर डैमेज होता है, लीवर डैमेज अराइजेस फ्रॉम द साइटोलाइटिक इफेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट विच अटेम्प्ट टू क्लियर द इन्फेक्शन बाय किलिंग द इन्फेक्टेड सेल। अगर ये लीवर का सेल है इसके अंदर जो है वो HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट है तो ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं देता सेल को, यानी कि सेल को मारता भी नहीं है या फिर सेल को डिस्ट्रॉय भी नहीं करता है, ये एक सेल से दूसरे सेल तक अपना इंफेक्शन स्प्रेड करता है। लेकिन हमारे बॉडी में सोल्जर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट, तो उसमें से टी लिम्फोसाइट जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं तो वो जहां पे भी हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट होता है उस पूरे सेल को ही किल करते हैं, यानी कि वो पूरे लीवर सेल को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि लीवर सेल्स का डेथ होता है, लीवर का फंक्शन कम होता है और हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी का तो वो काफी ज्यादा होता है, काफी लंबा होता है, 30 से लेके 180 डेज तक, यानी कि आज अगर वायरस बॉडी में गया है और फर्स्ट सिम्टम आने को 30 से लेके 180 दिन तक लग सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली कोई भी एज में होता है, मोस्ट प्रोबेबली कोई भी एज में हमें देखने को मिल सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो ट्रांसमिट कैसे कैसे होता है तो हमें याद में रखना है, सबसे पहला एक ब्लड या ब्लड ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि अगर हॉस्पिटल में कोई स्टाफ है जिसको किसी हेपेटाइटिस बी पेशेंट का नीडल लग जाए तो उससे भी स्प्रेड होता है, या फिर किसी पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट दिया है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड हो तो भी उसे इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा इंट्रावेनियस ड्रग एडिक्ट, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उसमें जो सीरिंजेस वो लोग यूज करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसके वजह से भी हेपेटाइटिस बी वायरस स्प्रेड होता है। पेशेंट ट्रीटेड बाय रीनल डायलिसिस, डायलिसिस में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, अगर मशीन का क्लीनिंग ठीक से न किया जाए या फिर ट्यूबिंग जो होता है या फिल्टर जो होता है अगर एक पर्सन का दूसरे पर्सन में यूज किया जाए तो उसके वजह से भी हेपेटाइटिस बी वायरस स्प्रेड होता है। हॉस्पिटल वर्कर एक्सपोज टू ब्लड, कोई भी हॉस्पिटल में वर्कर होता है यानी कि वार्ड बॉय हो, सिस्टर हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, जो कि ब्लड से एक्सपोज हो जाएंगे हेपेटाइटिस बी वायरस के पेशेंट से तो उन्हें भी हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्ट करेगा। फिजिकल कॉन्टेक्ट फ्रॉम मदर टू चाइल्ड और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी स्प्रेड होता है। अगर हम देखेंगे तो हेपेटाइटिस बी का डिजीज का स्टेज कैसा होता है तो सबसे पहला होता है एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, तो सबसे पहला वायरस इन्फेक्ट करता है, धीरे धीरे क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है यानी कि हेपेटाइटिस काफी पुराना होने लगता है, सिरोसिस होने लगता है यानी कि लीवर सेल्स का डेथ अगर होने लगे या नेक्रोसिस होने लगे तो उसके वजह से क्या होता है लीवर का फंक्शन कम हो जाता है जिसे हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। उसके बाद पल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है, पल्मिनेंट हेपेटाइटिस यानी कि एक्यूट हेपेटाइटिस, सडन ऑनसेट ऑफ हेपेटाइटिस जो कि काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और सिम्टोमेटिक कैरियर स्टेज हो सकता है, यानी कि पेशेंट जो होता है उसको बॉडी में खुद इन्फेक्ट नहीं होता लेकिन वो एज ए कैरियर दूसरे को इन्फेक्ट करने के लिए एक कैरियर स्टेज होता है जो कि दूसरे को इन्फेक्ट करता है। या फिर लास्ट है हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, मोस्ट प्रोबेबली डिस्ट्रक्शन होने के वजह से कार्सिनोमा या फिर कैंसरस सेल्स डेवलप होने लगते हैं जिसे हम कहते हैं हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। तो काफी ज्यादा स्टेजेस होता है, एक तो एक्यूट स्टेज, क्रॉनिक स्टेज, सिरोसिस,
फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज और हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा। तो ये सब स्टेजेस होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के। तो हेपेटाइटिस बी वायरस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे हमें ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है।